हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडएक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजल वन पर इंट्राडे ट्रेडिंग पर हमारे लिए कितना टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जब हम एंजल वन पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे स्टॉक्स को बाय करते हैं और सेम डे स्टॉक्स को सेल करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए कितने रुपये टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ते हैं, इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले, अगर आप लोग एंजल वन पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को बाय करके देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं बजाज ऑटो को ले लेते हैं। इसका प्राइस है यहाँ पर 3614 रुपये। तो हमने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे लिए सिलेक्ट करना है इंट्राडे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में जब हम स्टॉक्स को बाय करते हैं तब हमारे लिए कितना टैक्सेस देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी एक ले लेता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी ले लेंगे, यहाँ पर हम मार्केट ही प्राइस रहने देंगे, ताकि जो इसकी करंट प्राइस चल रही है इसी प्राइस पर हम इसको बाय कर पाएँ। और अगर आप कस्टम प्राइस लेना चाहते हो, लिमिट प्राइस पर क्लिक करके लिमिट प्राइस भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी एक कर देता हूँ। तो एक क्वांटिटी यानी कि 3614 रुपये के हम स्टॉक्स को बाय करेंगे, और देखेंगे कि 3615 रुपये के स्टॉक्स में जब हम बाय करते हैं तब हमारे लिए कितना रुपये टैक्सेस के रूप में देने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिमिट प्राइस कर देते हैं और इसकी कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कर देते हैं 3600 रुपये। एग्जाम्पल के लिए हम 3600 रुपये के अगर स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करेंगे तो कितना रुपये हमारे लिए टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अवेलेबल चार्जेस का। हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जो जो भी ब्रोकरेज चार्जेज वगैरह सारे टैक्स हमारे लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे ब्रोकरेज चार्जेज फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर। इंट्राडे में हम जब भी ऑर्डर को प्लेस करेंगे तब हमारे लिए वहाँ पर 20 रुपये देने पड़ेंगे। जब आप स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करोगे तब आपके लिए 20 रुपये देने पड़ेंगे, और जब आप स्टॉक्स को सेल करोगे तब आपके लिए 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर देखा जाएगा फ्लैट 20 रुपये, यहाँ पर आपके लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है, आपके लिए 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। अब एक्सटर्नल चार्जेज में आपके लिए दिखाई देगा ट्रांजेक्शन चार्जेज, जो कि आ रहा है 0.00257% ऑन द ट्रेड वैल्यू, यानी जितना भी आपका ट्रेड है 3600 रुपये का, 0.00275% यहाँ पर हमारे लिए देना पड़ रहा है ट्रांजेक्शन चार्जेज 0.10 पैसे। उसके बाद आ रहा है STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस, यहाँ पर आ रहा है 0 चार्जेज, क्योंकि हम स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमारे लिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हमारे लिए तब देना पड़ता है जब हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। अगला स्टॉक्स है डीमैट ट्रांजेक्शन DP चार्जेज। DP चार्जेज भी हमारे लिए यहाँ पर नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि DP चार्जेज भी हमारे लिए तभी देना पड़ता है जब हम स्टॉक्स को होल्डिंग में रखते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक्स को होल्ड में रखते हैं, और तब जब हम उसको सेल करते हैं तब हमारे लिए DP चार्जेज पे करना पड़ता है। अब DP चार्जेज कितना देना पड़ता है उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि एंजल वन में हमारे लिए कितना DP चार्जेज पे करना पड़ता है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए देना पड़ता है सेबी टैक्स। आप यहाँ पर देखो सेबी टैक्स है 0.0001% ऑन द ट्रेड वैल्यू। तो 3600 रुपये पर हमारे लिए 0.0001%, यानी कि कुछ भी रुपए यहाँ पर देने नहीं पड़ रहे हैं, ये बहुत कम आते हैं इन सारे टैक्सेस में। उसके बाद अगला टैक्स आता है स्टैम्प ड्यूटी 0.003% ऑन द ट्रेड वैल्यू, तो यहाँ पर आ रहा है 0.11 पैसे। तो इतने सारे टैक्सेस हमारे लिए यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी GST, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप देखोगे 18% ऑन द सेबी टैक्स ट्रांजेक्शन टैक्स एंड ब्रोकरेज चार्ज। तो जो हमारे लिए GST देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है ब्रोकरेज चार्जेस पर, ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस पर, और अगला है और सेबी टैक्स पर। इन तीन पर हमारे लिए देनी पड़ती है GST। तो इन तीनों के जो भी रुपए होंगे 20 रुपए, 0.10 पैसे, और यहाँ पर जो जीरो आ रहा है जीरो, इन सबको मिलाकर जो इनका 18% हमारे देना पड़ेगा 3 रुपए 62 पैसे GST के रूप में। तो जो हमारे लिए टोटल टैक्स पे करना पड़ रहा है 3600 रुपये के स्टॉक्स बाय करने पर, आप यहाँ पर देखिएगा 23 रुपये 83 पैसे, यानी कि एंजल वन पर जब भी हम किसी स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करेंगे तो 20 रुपये तो हमारे लिए ब्रोकरेज चार्ज देना ही पड़ेगा, जो कि फ्लैट है, यहाँ पर आपके लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन चार्ज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, डीमेट चार्ज, सेवी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे आते हैं आपकी ट्रेड वैल्यू के ऊपर। उसके बाद आता है आपका GST, GST देना पड़ता है आपके लिए ब्रोकरेज चार्ज पर, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज पर और सेवी टैक्स पर। इन तीनों टैक्स का जो टोटल होगा उसका आपके लिए 18% यहाँ पर GST पे करना पड़ता है, और इन सब का टोटल आपके लिए यहाँ पर देना पड़ता है टैक्स के रूप में। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम एंजल वन पर किसी भी स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कितना रुपया टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।